रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लवली अपना एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से घर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी स्कूल की दोस्त पर पड़ती है, जो सड़क के उस पार मिष्ठान भंडार के सामने खड़ी फोन चला रही होती है। तभी वो रोड क्रॉस करके उसके पास जाती है और अचानक से उसके सामने आकर कहती है, ओए रंजना मोटी झल्ली, कहाँ है तू आजकल? लवली तू यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ, और तू क्या पब्लिक में मुझे मोटी मोटी कह रही है पागल? ओहो मोटी कहने से अभी भी चिढ़ती है तू? वैसे किस खुशी में मिठाई लेने खड़ी है? अबे मिठाई नहीं, वो यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है ना, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीती चलूं। रुक तेरे लिए भी बोलती हूँ। हाँ हाँ बोल तो सही, तेरे साथ तो मैं जहर भी पी लूंगी, लस्सी क्या चीज है। कितना फेंकती है तू, भैया दो लस्सी कर देना। कुछ देर बाद दुकानदार दो कुल्हड़ लस्सी उन्हें देता है जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डले होते हैं। दोनों लस्सी पीती हैं और एक घुट पीते ही लवली कहती है, वाह यार लस्सी में तो मलाई का भंडार है, कितनी बढ़िया है ये, हा 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 हा, मजा ही आ गया बिल्कुल। तू पहली बार कुल्हड़ वाली लस्सी पी रही है क्या? इतनी क्या तारीफ कर रही है? यार ये लस्सी है ही इतनी छकास, मतलब हम गरीबों का यहाँ तो पीने के पानी में ही लस्सी मिलाकर दे देते हैं, लेकिन इसमें तो ऊपर इतनी मलाई साथ में काजू बादाम भी डाले हैं, आए आए मैं तो सारी पी जाऊंगी। हाँ तो तेरी ही लस्सी है, आराम से पी, इतनी भी क्या जल्दी है। यार एक और मंगा देना फिर। हाँ हाँ गटक ले बेटा, इतने दिनों बाद मिली है, बिना मेरा खर्चा करवाए तुझे चैन कहाँ पड़ेगा, लेकिन पहले एक तो खत्म कर। दोनों बातें करते हुए लस्सी पीने लगती हैं। कुछ देर में लवली घर लौटती है और आराम से सोफे पर बैग पटक कर पसर जाती है। तभी उसकी माँ सरिता पानी लेकर आती है और पूछती है, तो कैसा था? बढ़िया, एकदम पीकर मस्त मजा आ गया। अरे ओ नलायक, तू पेपर पीकर आई है या देकर? ओह पेपर की पूछ रही हो क्या, मैं तो लस्सी की बता रही हूँ। तू पेपर देने गई थी कि लस्सी पीने? माँ पेपर अच्छा गया, रास्ते में आते हुए मुझे रंजना मिल गई, तो बस उसने मुझे कुल्हड़ वाली लस्सी पिला दी। आहा माँ क्या जबरदस्त लस्सी थी, मैंने पूरे दो कुल्हड़ लस्सी पी, मेरा तो पेट ही फुल हो गया। हाय हाय कैसे मजे से बता रही है, खुद पीकर आ गई, ये नहीं एक माँ के लिए भी ले आती, चल जा पहले मुंह धोकर आ। लवली बैग लेकर कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से लवली तो जैसे लस्सी की दीवानी हो जाती है, कॉलेज आते जाते वो रोज लस्सी पिया करती। एक सुबह जब वो नाश्ता कर रही होती है तभी खाने में पालक का साग देखकर कहती है, वाह माँ आज पालक बनाया है आपने, मैं क्या कह रही थी एक लस्सी का पैकेट भी मंगा लेती, नाश्ते में मजा आ जाता। तू पेट भरने के लिए खाना खाती है या मजे के लिए? अब तेरे लिए अलग से लस्सी लेकर आऊँ क्या? ओहो अभी लस्सी आएगी तो कौन सा मैं अकेले पी लूँगी, आप भी ले लेना आधा गिलास उसमें से। और मैं क्या पड़ोसी की औलाद हूँ, लस्सी लस्सी करे जा रहे हो, लस्सी लाने के लिए तो दुकान मुझे ही दौड़ाओगे। हाँ हाँ एक घुट तू भी पी लियो, क्यों रो रहा है, चल जा अभी लेकर आ फटाफट से लस्सी। ऐसा है जिसको पीनी है वो खुद लेकर आए, मैं किसी का नौकर नहीं लग रहा। इतना कहकर वो खाने की प्लेट लिए कमरे में चला जाता है। शाम को जब लवली घर आती है तो उसकी माँ उसे पीने के लिए लस्सी देती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो झट से लस्सी का ग्लास उठाकर पीती है, लेकिन फट से लस्सी थूकते हुए कहती है, ओहो माँ ये लस्सी के नाम पर क्या डालकर लाई हो गिलास में, पानी जैसी लग रही है, स्वाद ही नहीं है इसमें। अरे तो स्वाद वाली लस्सी कहाँ मिलती है, मतलब कुछ ला दो, तुझे पसंद नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता है ना। अब अच्छी नहीं है तो क्या बोलूँ मैं इसमें, अरे 60 रुपए का एक बड़ा ग्लास आता है लस्सी का, वाह क्या लस्सी होती है, ठंडी गाढ़ी पी कर मजा आ जाता है, ये कोई पीने वाली है, इससे तो कोई धोए भी ना। सही है ये 60-60 रुपए लस्सी के गिलास पर फूक रही है, वो भी इतनी महंगाई में, और मैं पिज्जा खाने के लिए थोड़े पैसे मांग लूं तो माँ इतने ताने देती है कि उसी से पेट भर जाता है। हाँ तो लस्सी पीने का कोई नुकसान थोड़ी ना होता है, वो तो सेहत के लिए फायदेमंद होती है, पिज्जा नहीं। बस कर फायदेमंद होती है तो क्या फालतू के पैसे लस्सी पीने में ही बहाएगी, इससे अच्छा तो घर में दही जमा कर उसकी लस्सी बना ले, पूरा घर तो पिएगा, पर नहीं उसमें तो आलस आता है तुझे, देख महंगाई में ऐसे खर्चे करेगी तो आगे से एक पैसा नहीं दूंगी तुझे, समझ गई? ये हुई ना बात माँ। इतना कहकर रंजन और सरिता वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दूध वाला उनके घर दूध देने आता है,
तो सरिता से पहले लवली बड़ा सा पतीला लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती है और पतीला देखकर दूध वाला बोलता है, अरे मैडम जी, पूरे मोहल्ले का दूध आप ही लेंगी क्या? इतना बड़ा भगोना काहे उठा लाई? अरे भैया, अभी दूध ज्यादा चाहिए तो बर्तन तो बड़ा लगेगा ना। क्यों, तू दूध से नहाने वाली है क्या? आज ज्यादा दूध किस खुशी में चाहिए? दही जमाने के लिए। फिर उस दही की मस्त गाढ़ी ठंडी लस्सी बनाऊंगी। तो भैया दो, नहीं, 3 लीटर दूध दे दो। 3 लीटर लस्सी का भंडारा करेगी क्या? एक काम करना, इस दूध वाले का दूध वाला कंटेनर ही ले ले। ओहो माँ, अभी लस्सी बनाऊंगी तो अच्छे से जी भर कर पियेंगे ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे 3 लीटर दूध दे दे? ऐसे मतलब कैसे? अभी दूध ज्यादा लेने के लिए अर्जी डालनी पड़ेगी क्या? अरे मैडम अर्जी नहीं, लेकिन कल ही बता देती ना तो हम थोड़ा ज्यादा दूध ले आते। चलिए कोई नहीं, लाइए भगोना। लवली दूध का पतीला आगे करती है और दूध वाला उसमें दूध डालकर चला जाता है। लवली सारे दूध को उबालकर दही जमाने रख देती है। अगले दिन जब दही जम जाता है तो लवली बिना देर के एक बड़े जार में बर्फ के टुकड़े, चीनी और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसमें दही डालकर उसे फेंटना चालू करती है और कुछ ही देर में लस्सी बनाकर उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर हॉल में लेकर आती है। तभी उसकी पड़ोसन कमो वहाँ आती है। और सरिता क्या हाल है, क्या बात है, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी की पार्टी हो रही है। मैं तो अपनी लस्सी का गिलास लेकर कमरे में जा रहा हूँ, वरना ये कम्मो आंटी का कोई भरोसा नहीं, गलत टाइम पर टपक कर अच्छी चीजें घटक जाती हैं। सही कह रहे हैं, कम्मो आंटी की टाइमिंग बड़ी खराब है। तभी रंजन वहाँ लस्सी का ग्लास उठाई कमरे में निकल जाता है और लवली भी अपनी लस्सी उठाने वाली ही होती है कि तभी कम्मो उसके हाथ से लस्सी का ग्लास लेकर कहती है, ओहो लस्सी में रूह अफ़ज़ा भी डाला है, घर पर बनाई है क्या सरिता? हाँ, इतना महंगा दूध लेकर मेहनत से दही जमा कर लस्सी बनाई है लवली ने। अरे आप फोकट का गटकने के लिए जो आधमकती है। कुछ कहा लवली तूने? नहीं तो आंटी जी, कुछ सुना क्या आपने? अब तूने कहा ही नहीं तो मैं क्या सुनूं? चल मैं भी तो पीकर देखूं कैसी बनाई है लस्सी तूने। इतना कहकर कम्मो लस्सी का पूरा ग्लास एक बार में पीकर कहती है, आह ठंडी तो है लेकिन ज्यादा मीठी हो गई। अगली बार से थोड़ा कम मीठा डालियो, वो क्या है ना, मुझे शुगर है। हाँ और तुझे पता है, तुझे पड़ोसियों के घर खाने पीने की भी बड़ी बीमारी है। अरे सरिता कैसे बेकार मजाक कर रही है। हाय हाय, लस्सी के चक्कर में तो जस्सी को भूल ही गई, बेचारी घर आ गई होगी और मैं यहाँ हूँ, चलती हूँ। हाँ इतना कहकर कम्मो वहाँ से चलती बनती है। तभी लवली मेन गेट लॉक करके किचन में बची हुई लस्सी लाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर आराम से अपने हाथ की बनाई लस्सी का मजा लेती है। हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। आद्विका की शादी केतन से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। एक अच्छी बहू की तरह आद्विका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। केतन का भी जल्दी ही अपने काम में प्रमोशन हो जाता है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी घर वालों से दूर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह के समय नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी केतन के फोन पर किसी दिल नाम से कॉल आता है, जिसे वो जल्दी से कट कर देता है। के तभी दोबारा कॉल आने लगता है, जिसे देखकर आद्विका बोलती है, सुबह सुबह कौन आपको इतना मिस कर रहा है जो फोन पर फोन किए जा रहा है? कोई नहीं है, वो बस ऑफिस कॉल है। अच्छा तो उठा लो ना, काट क्यों रहे हो आप बार बार? यार तुम नाश्ता करने में ध्यान दो ना, कॉल पे ध्यान क्यों दे रही हो? आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, जो करना है करो। केतन जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल जाता है और जल्दी से दिल के नंबर पर बैक कॉल करता है और कहता है, अरे यार कितनी बार कहा है ना सुबह सुबह कॉल मत किया करो, मेरी बीवी को पता चल गया ना कि मैं क्या गुल खिला रहा हूँ वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगी, इम्पोर्टेंट काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इतना कहकर केतन फोन रख देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक रात जब आद्विका और केतन सो रहे होते हैं, केतन का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है और इस बार उसकी स्क्रीन पर जान नाम से नंबर स्लैश होता है और वो जल्दी से फोन उठाकर बालकनी में जाता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ? क्या
सच में आई लव यू यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। थैंक यू बहुत सारा, चलो सुबह मिलते हैं। उसकी ये सारी बातें अद्विका चुपके से सुन लेती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है, मेरे पेट पीछे मेरी सौतन बनाए बैठा है, लेकिन मैं भी इसकी पत्नी हूँ, इसकी सच्चाई तो इसके मुँह से बाहर निकलवा कर ही रहूँगी। इतना कहकर अद्विका वापस सो जाती है और केतन भी बालकनी से रूम में आ जाता है और सो जाता है, और अद्विका भी अपने पति की जासूसी करने में लग जाती है। और एक दिन जब केतन बाथरूम में नहा रहा था, तभी अद्विका रूम में आती है और वो चुपके से उसका फोन चेक करने के लिए जैसे ही उसका फोन उठाती है, तभी उसके फोन पर रूप नाम से कॉल आने लगता है, साथ ही नाम के साथ दिल वाला इमोजी भी होता है। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली होती है, तभी केतन बाथरूम से बाहर आ जाता है और झपट्टा मारकर अद्विका के हाथ से फोन छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो, फिर बताओ क्यों करती हो ऐसा तुम? आज तो गलती कर दी, आज के बाद अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? हाँ हाँ, चिल्ला लो, अच्छे से चिल्ला लो, मुझे पता है बाहर तुमने मेरी सौतन बना रखी है, तभी ऐसे भिन्ना रहे हो मुझ पे। सुबह सुबह अफीम खाई है क्या, क्या बकवास छाप रही हो? आप करते होगे सस्ते नशे, मैं नहीं करती, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने बाहर ना कोई लड़की फंसा रखी है और अब मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। यार तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और प्लीज नाश्ता लगा दो, जाओ। अद्विका गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अद्विका केतन का मोबाइल चेक करने की कोशिश करती, तो कभी लैपटॉप और कभी कुछ और। उसकी इन सब आदतों से परेशान होकर केतन उसे कई बार गुस्से में सुना दिया करता, पर अद्विका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक शाम केतन ऑफिस से घर आता है और अद्विका को आवाज देता है, अद्विका, अद्विका कहाँ हो तुम, यहाँ आओ यार। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? यार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है लाती हूँ। अद्विका किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और चाय बनाते बनाते खुद से बोलती है, घर के काम करूँ मैं, सारे गंदे कपड़े धोऊं मैं, सारा सारा दिन अपनी ऐसी तैसी करवाऊं मैं, और मजे ले वो बाहर वाली, आज चाय पिलाती हूँ इनको, वो भी लाल मिर्च वाली। इतना बोलकर अद्विका चाय में ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और थोड़ी देर बाद जाकर चाय केतन को देती है। वो जैसे ही चाय का एक घूंट भरता है, तभी उसके कान नाक और मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो गुस्से में कप को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, क्या बदतमीजी है ये, चाय में लाल मिर्च कौन डालता है, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, पानी लेकर आओ मेरे लिए। हाँ हाँ, अब तो मिर्ची लगेगी ही ना, और जो मिर्ची आप मेरे जिंदगी में लगा रहे हो उसका क्या, बताओ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई, और पानी लेकर आओ, जाओ। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। अद्विका की ना सुनकर केतन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग का खो गया है, पहले मुझे मिर्ची वाली चाय पिलाती हो और फिर पानी पिलाने से मना करती हो, कभी मेरा फोन, कभी लैपटॉप, तो कभी पर्स चेक करती हो, अरे CID में भर्ती हो जाओ ना अगर इतनी तहकीकात करने का शौक चढ़ा है तो। अद्विका को सुनाकर केतन वहाँ से चला जाता है, तो वहीं अद्विका भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। केतन के ना घर आने का पता था और ना ही ऑफिस जाने का, वो अपनी मर्जी से घर आता और जाता, या फिर अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बातें करते हुए ही बिता दिया करता। उसका ये रूप देखकर अद्विका को बहुत हर्ट होता है और वो उससे अलग होने का फैसला कर लेती है और कोर्ट जाकर डिवोर्स पेपर रेडी करवाती है। जब वो पेपर लेकर कोर्ट से टैक्सी में बैठकर घर आ रही होती है, तो वो खुद से रोते हुए बोलती है, मैं एकदम सही फैसला कर रही हूँ, केतन जी अब मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा से ही मुझसे अलग होना चाहते थे और अब मैं खुद ही उनसे अलग हो जाऊंगी, पता नहीं मेरी सौतन कौन है, पर जो भी है केतन जी उसके साथ खुश रहे। कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि केतन घर पर नहीं है और वो डाइवोर्स पेपर को साइन करके टेबल पर रख देती है और साथ ही एक लेटर भी रखती है और अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब केतन घर आता है,
तो देखता है कि घर खाली है और अद्विका वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर जाती है और वो जल्दी से अद्विका का लिखा हुआ लेटर उठाता है और पढ़ता है। मुझे नहीं लगता केतन जी कि अब इस रिश्ते में हम दोनों एक साथ और चल पाएंगे, इसलिए मैं आपको तलाक देकर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप भी कर देना, मेरी तरफ से आप आजाद हैं। अद्विका का लेटर पढ़कर केतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद से बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया, जाने अनजाने मैंने अद्विका को बहुत तकलीफ दी है, मुझे उसे सच बता देना चाहिए था, मैं अद्विका को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे उसे रोकना होगा। केतन जल्दी से घर से निकल जाता है और अद्विका को तलाशने लगता है। वो उसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह देखता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो थका हारा मंदिर में जाता है जहाँ वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अद्विका ये सब क्या है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। आपसे क्या पूछना था, आप तो यही चाहते थे ना, अब जाइए अपने दिल रूप जान जिसके पास जाना है चले जाइए। अद्विका की बात सुनकर केतन मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने फोन से कॉल करके अपने दोस्त रुपेश, दिलशाद और सहजान को घर बुलाता है। थोड़ी ही देर में सब वहाँ आते हैं और केतन बारी बारी अद्विका के सामने ही सबको कॉल करता है। जब वो रूप को कॉल मिलाता है तो रुपेश का कॉल मिलता है और जब वो जान को फोन मिलाता है तो सहजान का फोन मिलता है और जब वो दिल को फोन मिलाता है तो दिलशाद का फोन रिंग करने लगता है। ये सब देखकर अद्विका हैरान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी जान, सच तो ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिससे बाहर आने में ये तीनों दोस्त मेरी हेल्प कर रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था, आई एम सॉरी अद्विका। इस तरह अद्विका की तीनों सौतन उसके सामने आ जाती हैं। लिली, जिसको सब प्यार से लाली कहते थे, लाली देखने में बड़ी ही सुंदर और घर के काम में निपुण लड़की थी, मगर उसकी एक ही बुरी आदत थी, वो थी रात के सोते समय नींद में किक मारने की, और तो और उसे अकेले सोने से डर भी लगता था, जिसके चलते उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को उसके साथ सोना ही पड़ता, फिर रात भर उसकी मिसाइलों को सहना पड़ता। ऐसे ही एक रात वो अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है और नींद में अपनी माँ को एक जोरदार किक मारती है, जिसके कारण उसकी माँ धड़ाम से नीचे गिर जाती है और दर्द में कराहती हुई बोलती है, अरे मेरे प्रभु, ये कैसी लड़की दे दी है मेरे कर्मों में, पता नहीं नींद में कैसी कुश्ती खेलती है, खुद तो सोती रहती है भैंस की तरह और सामने वाले की हड्डियों का कचूमड़ बना देती है, हाय लग गई। माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर लाली की आँख खुल जाती है और वो अपनी माँ को उठाते हुए बोलती है, अरे मम्मी तुम कब गिर गई नीचे, तेरी ही कृपा से गिरी हूँ मेरी माँ, अरे ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी पति को इसी तरह लाते मारेगी, अरे मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। हाँ हाँ, लात मार मार कर तो तूने वैसे ही मेरी आधी कमर तोड़ दी है। मम्मी ज्यादा लग गई क्या, दिखाओ मैं बाम लगा देती हूँ। अरे रहने दे निकम्मी, तो मार मार कर मेरी कमर की ऐसी तैसी कर दी है तूने, अब तो तेरे पास मैं कभी नहीं सोऊंगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहो ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आपको पता है ना मुझे अकेले रात को नींद नहीं आती, पक्का अब लात नहीं मारूंगी। कच्चा पक्का कुछ नहीं, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तू कब मुझे लात मार दे और चारों खाने चित कर दे। मम्मी प्लीज, जब तक आप नहीं मानेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, मेरी माँ, सो जाऊंगी तेरे साथ। ऐसे एक सुबह लाली कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ बोलती है, अरे लाली जल्दी आ नीचे, तेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, मगर तू है कि अब तक तैयार ही नहीं हुई। आई मम्मी, पाँच मिनट। लाली नीचे उतर कर आती है और टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है, तभी उसकी दोस्त मिनी का कॉल आता है
लाली उसका फोन उठाकर बोलती है। हाँ बोल यार। यार शाम को मेरी बहन का बर्थडे है तो घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, तुझे आना होगा। अभी तो कॉलेज जा रही हूँ। अरे तो कॉलेज से सीधा यहाँ ही आ जाइयो ना। रुक मम्मी से पूछ के बताती हूँ। हाँ हाँ पूछ। मम्मी सुनो, शाम को मिनी के घर पे जाना है, उसकी बहन का बर्थडे है, मैं जाऊँ? ठीक है मगर टाइम से आ जाइयो। ठीक है हाँ माँ भी मान गई, चल शाम को मिलती हूँ। ऐसे ही शाम को लाली मिनी के घर जाती है जहाँ सभी लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच एक अमर नाम का लड़का लाली से टकरा जाता है। तभी लाली गुस्से में बोलती है, ओ गरीबों के सलमान खान, दिखाई नहीं देता क्या? ओ भिखारियों की कैटरीना, मुझे दिखाई देता है या नहीं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं। क्या कहा तुमने? भिखारियों की कैटरीना, बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वो भी गलती से। ओ रियली, इससे अच्छा तो मैं बदकिस्मती सही हूँ। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और लाली से बोलती है, अरे लिली ये मेरे भैया हैं अमर, और भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है लिली, मगर सब इसको लाली भी कहते हैं। बहुत अच्छी है तुम्हारी दोस्त। हाँ और तुम्हारे भैया भी। वैसे मिनी तेरी तो दो ही बहनें थी। अरे ये मेरे मौसी के लड़के हैं। ओ ऐसे ही सभी लोग पार्टी इंजॉय करते हैं और रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद लाली की माँ उसे फोन करती है और लाली मिनी से बोलती है, यार मिनी अब काफी लेट हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए, माँ चिंता कर रही होगी। मिनी अपने भाई अमर से कहकर लाली को घर छुड़वा देती है। लाली और अमर दोनों रास्ते भर में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। रात ज्यादा होने के कारण लाली को कार में ही नींद आ जाती है और वो कार में ही सो जाती है। अमर मुस्कुराता हुआ अपनी मस्ती में कार चलाता है और लाली नींद में कभी यहाँ तो कभी वहाँ करवटें बदल रही होती है। इसी बीच लाली अमर को चलती कार में से उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे अमर गुस्से से गाड़ी रोकता है और उसको बोलता है, ओ मैडम नींद से जागो, और ये क्या है तुमने मुझे लात क्यों मारी? नींद में इतनी लीन हो गई क्या कि पता ही नहीं लगा तुम्हें कि कार में हो या बेडरूम में? मुझे माफ करना, गलती से हो गया मुझसे, वो नींद में अक्सर ही मुझसे किक लग जाती है। तुम तो चैन से सो रही हो मगर ऐसे किक मारकर किसी और का चैन तो मत छीनो। अब मैं क्या करूँ, नींद में मुझे अपना नहीं पता होता मैं कहाँ पड़ी हूँ। तुम लात पड़ने की बात कर रहे हो, अब मुझे घर छोड़ दो, और हाँ दिल से सॉरी। पागल लड़की। लाली को मन ही मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अमर से बार बार माफ़ी मांगती है, जिसके बाद अमर उसे माफ़ करके उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमर अब किसी न किसी बहाने से लाली से मिलने की कोशिश किया करता। धीरे धीरे लाली और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अमर अपनी माँ के साथ लाली के घर जाता है और शादी की बात करके दोनों घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ सो रहे थे, तभी लाली नींद में अमर को खींच के लात मारती है और अमर जाकर बेड से नीचे गिरता है और चिल्लाता हुआ बोलता है, लाली ये क्या तरीका है सोने का? अरे सो जाओ ना। मेरी कमर ही तोड़ दी इस लड़की ने, कैसी पत्नी मिली है मुझे, हे भगवान। अरे क्या हुआ, जमीन पे क्यों पड़े हो? तुम्हारी वजह से। अरे माफ करना, वो मुझे कोई बुरा सा सपना आ गया था तो मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चला रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। अब की किया ना ऐसा तो देख लेना तुम। हाँ हाँ अब नहीं होगा पक्का। अमर उसकी बात मानकर फिर से उसके पास जाकर सो जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद लाली नींद में फिर से अमर को जोरदार किक मारती है और इस बार अमर टेबल के पास जाकर गिरता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और इस बार वो लाली को उठाए बिना गुस्से में अपना तकिया उठाए सोफे पर जाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह अमर की माँ कुसुम उससे बोलती है, अरे बेटा ये तेरे सर पे चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं माँ। अरे मेरे लाल बोल ना। माँ मुझे ना नींद में लात मारने वाली पत्नी मिली है जो कि एक रात में पता नहीं कितनी बार मुझे लात मारती है, मैं तो तंग आ गया। सही है बेटा, खुद के पसंद से शादी करोगे तो लात ही खाओगे। माँ आप भी ना। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब अमर हर रात को लाली के पास सोने से डरा करता। ऐसे ही एक रात लाली उससे बोलती है, क्या हुआ अमर? क्या हुआ का क्या मतलब है, रात को लात मार मार कर मेरी कमर की हड्डी ही तोड़ दी है तुमने।
माफ कर दो, मैं सच में जानबूझकर नहीं करती। मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। अरे नींद के चक्कर में तुम किसी की जान ले लोगी क्या? आप ही बताओ, अगर आपको भी लात मारने की आदत होती तो? तो बेटा इस आदत का कुछ करना भी तो चाहिए ना तुम्हें। आप बताओ क्या करूं? मैं अब बताऊंगा नहीं, सीधा करूंगा, मगर क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। ये बोलो ना कि आपके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यार अभी मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे सोचने दो कि आखिर क्या करूं इसका। सोचो, अगर कुछ पता लग जाए ना तो मुझे भी बता देना। इतना बोलकर लाली सो जाती है और अमर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुन्नी लेकर लाली के पैर बांध देता है और खुशी से सो जाता है। मगर कुछ ही देर बाद लाली नींद में अमर को फिर से जोर से लात मारती है और वो सीधा बेड के नीचे जाकर गिरता है और सर पर हाथ रखकर बोलता है, ये कभी नहीं सुधरेगी, मुझे ही अपना बोरिया बिस्तर अलग करना पड़ेगा। आ कमर तोड़ दी आज फिर से इसने। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।